नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला बुलडोजर वर्सेस AK-47 का है। योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान के जवाब में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा जवाब दिया है जो विपक्षियों की बोलती बंद करने के लिए काफी है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ में मंगलवार दोपहर सपा कार्यालय में अखिलेश यादव पत्रकारों से मिले। पत्रकारों से बातचीत के बीच उन्होंने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सपा के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बुलडोजर है, इन्हें अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग लगा होता है, स्टीयरिंग घूमने पर बुलडोजर दूसरी तरफ चलने लगता है। मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा नहीं पास है, अयोध्या में गरीबों के घर गिरा दिए। सपा सरकार आएगी तो अयोध्या में जो घर गिराए हैं उन्हें वहीं घर दिया जाएगा, इस काम में शामिल अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मंगलवार को कई बड़े नेता सपा में शामिल हुए। पूर्व सांसद यशवी, बसपा नेता हरिशंकर राजभर, मुन्ना यादव, पूर्व मंत्री मानपाल सिंह, बसपा नेता अब्दुल हाफिज भी सपा में शामिल हो गए। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा का सफाया हो रहा है, भाजपा की सरकार का जाना तय है, तभी सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। मुख्तार अंसारी को आगामी विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार बनाने के सवाल को अखिलेश यादव टाल गए। बहन जी की किसी भी बात पर जवाब नहीं दूंगा। इसके बाद अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह AK-47 रख लेना चाहिए, क्योंकि सपा का साथ गुंडों, अपराधियों और माफिया को मिलता है। उनके शासनकाल में आतंकियों से मुकदमे वापस लिए जाते हैं। अखिलेश यादव को गोरखपुर में बुखार से हुई मौतें तो दिख रही हैं, लेकिन केरल नहीं दिखता। वो और उनके पिता मुलायम सिंह यादव तो ठीक हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी के अब्बा जान वाले बयान पर उठे विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि जब सपा संरक्षण को मुल्ला मुलायम कहा जाता था तो अखिलेश को अच्छा लगता था, अब्बा जान बुरा लगता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। केशव प्रसाद ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर कहा कि ये तो सभी जानते हैं कि प्रियंका यूपी में किस लिए आती हैं, अब यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। 2019 के चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने दौरे किए थे, उसके परिणाम जनता को पता है। विपक्ष आए दिन नफरत भरे बयान देकर बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन शायद विपक्ष कहीं ना कहीं भूल जाता है कि राजनीति में लोगों का दिल बातों से नहीं बल्कि अपने काम से जीता जाता है। केशव प्रसाद ने यह साफ कर दिया कि उनकी सरकार हर दिशा में विकास कर रही है, उससे कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। कुछ नेता सिर्फ ट्विटर पर लिखकर राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी जनता के बीच जाकर उनकी सेवा कर रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।